औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि नीचे सुर्ख बटन को पुश करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक वाकया मुझे याद आ रहा है, एमल कांसी जब गिरफ्तार हुआ था डेरा गाजी खान से, तो वो सुना है कि मिलियन डॉलर्स अमेरिका ने हमारी एजेंसियों को दिए और फिर एजेंसियों ने गिरफ्तार करवा के तो उसको भेज दिया वापस। दौरान समात उसके अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था कि पाकिस्तानियों को मिलियन डॉलर्स देने की क्या जरूरत थी, ये तो 20,000 डॉलर की खातर अपनी माएं बेच देते हैं। तो आज कम अज कम ये बात गलत साबित हो गई है कि सिर्फ 10 अरकान के लिए अपोजिशन 3 साल से धक्के खाती फिर रही है। मार्च पे मार्च तहरीके अदम एतमाद, चौधरियों से राबते, जहांगीर तरीन से राबते, हर तरफ राबते, लेकिन उनको 10 अरकान नहीं मिल रहे कि उनके 10 अरकान की कीमत बहुत ज्यादा है। वो सुनने में आ रहा है, मैं कंफर्म बात नहीं कर रहा, सुनने में आ रहा है कि मुबैना तौर पर 50 करोड़ से 70 करोड़ तक बोली चली गई है एक रुकन की। असल वजह यह है कि गेट नंबर 4 पे जब भी कॉल करते हैं तो जवाब यही आता है कि यहां पर कॉल करना मुमकिन नहीं है, गेट नंबर 4 पर रब्ता फिलहाल मुमकिन नहीं है। तो असल मसला ये है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला, बिलावल कहता है कि मैं वजीर ये इमरान खान जाएगा तो मैं वजीर आजम बनूंगा। शहबाज शरीफ कहता है कि बिलावल जाएगा तो वजीर आजम मैं बनूंगा। और तो और बाकी को तो छोड़ें, मौलवी फजलुर रहमान वो कहता है कि बिलावल जाएगा तो हम वजीर आजम बनेगा। वो तो बड़े अरसे से वजीर आजम बन रहा है और बनता रहेगा। इसी तरह से अल्लाह ना करे वो किसी दिन सुधार जाएंगे दुनिया से, लेकिन वजीर आजम बनने की आस उनके दिल में ही रहेगी। तो असल वजह ये है कि एक तो बात गलत साबित होगी 20,000 डॉलर में माएं बेचने वाली, और दूसरी बात कि गेट नंबर 4 पर रब्ता फिलहाल मुमकिन नहीं है। अल्लाह हाफिज़।